रक्तदान एक ऐसा दान है जिसका कोई मोल नहीं है। अगर समय पर मरीजों को खून ना मिल पाए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। अस्पतालों में भर्ती ऐसे जरूरतमंद मरीजों को इलाज के दौरान खून मिल सके, इसके लिए कल रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन मीरगंज शहर के प्राचीन औगरदानी धर्मशाला में किया गया, जिसमें तकरीबन 90 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। समिति उपाध्यक्ष अखिलेश केसरी ने बताया कि हमारे संस्था ने पिछले 5 साल में तकरीबन 1000 यूनिट रिकॉर्ड रक्त संग्रह कर कीर्तिमान बनाया है। औगरदानी रक्तदान समिति लगातार 5 सालों से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रही है। ब्लड दिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, ब्लड बहुत अच्छा लगा देने में, कोई तकलीफ नहीं हुआ। ब्लड देना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। हमने कहता है कि बीमारी होता है, कुछ नहीं होता है। मैंने आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ महसूस नहीं हुआ कि ब्लड देने में क्या कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड देना चाहिए, हर एक 3 महीना 4 महीना ब्लड देना चाहिए। ब्लड बहुत अच्छा चीज़ है। आगे आप ब्लड देंगे आप रेगुलर? एकदम रेगुलर, हम तो 3 महीना 4 महीना बिल्कुल। ब्लड का नाम क्या हुआ? बंटी कुमार। जैसे मैं प्राचीन अगरदानी नाथ बोर्ड कमेटी के सदस्य अगरदानी रक्तदान धर्मशाला में रक्तदान के शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग अभी 70 से 80 डोनेशन हो गया है, महिलाएं पुरुष बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग डोनेशन पटना, गोरखपुर, लखनऊ सब जगह कराते हैं। लोग 5 से 6 साल हो गया, साल में 4 बार कैंप लगाते हैं। कैसे विचार आया था ये सब चीज़? हम लोग, मेरे सदस्य जी हैं आनंद सोनी, वो गए तो लोग, आनंद सोनी एक प्राचीन नगर नाथ बोर्ड कमेटी के सदस्य राहुल जायसवाल गए तो लोग अति सिंडी साई मंदिर के पास दर्शन किए लोग, उन लोग का मन किया कि डोनेशन करने के लिए, तो वहाँ पर दोनों मतलब मंदिर के सदस्य लोग डोनेशन किए लोग वहाँ पर। तब से विचार आया कि चलो हम लोग भी डोनेशन करेंगे, हम लोग का भी एक नाम हो। हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, गोपालगंज सिवान तक हम डोनेशन करा सकते हैं। अगर पटना, लखनऊ, गोरखपुर डोनेशन चाहिए तो थोड़ा समय लगेगा, 5 से 6 घंटे तक, फिर कोशिश करेंगे लोग, क्योंकि हम लोग का हाथ में है नहीं। प्राचीन औगरदानी न्यास बोर्ड कमेटी द्वारा रक्तदान करीब विगत कुछ वर्षों से कराया जा रहा है, जिसमें मैंने भी करीब, ये मेरा 4th बार रक्तदान है। हाँ, नगर के तमाम नवयुवक सभी लोग रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरा यही सबसे अपील है कि सभी लोगों को, खास करके युवाओं को, साल में कम से कम 3 बार तक रक्तदान करना चाहिए। बहुत लोग डरते हैं, बहुत सारी नहीं नहीं ऐसी सब भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। रक्तदान करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में किसी तरह की बीमारी, खास करके हार्ट में ये सब कोई भी बीमारियाँ नहीं आती हैं, इसलिए सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने आते तो इस शिविर में कुछ परेशानियों का सामना तो नहीं? नहीं नहीं, यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं, मैं भी औगरदानी न्यास बोर्ड कमेटी का सदस्य हूँ, तो यहाँ कोई तरह की समस्याएं नहीं होती है। हमारे सब सदस्य लोग बढ़ चढ़ कर सभी लोगों को सहयोग करते हैं, सारा केयर करते हैं। संवाददाता प्रवीण गुप्ता, VSRS न्यूज, मीरगंज।